Hello everybody, welcome back to my channel Educational Panacea. My name is Bhanu Pratap. So guys, जो last video मैंने आपके साथ बनाई थी, that is part number 7 of the ESI Act, जिसके अंदर मैंने आपके साथ section 59B तक discuss किया था. और जिन्होंने अभी तक मेरी ESI Act की इस video series को नहीं देखा, I request you guys कि please मेरे channel Educational Panacea पे जाएं, वहाँ पे ऊपर labor law playlist का आपको playlist का option मिलता है, वहाँ पे playlist पे click करेंगे तो आपको labor law की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मेरी 55 वीडियो 55 वीडियोस आर देयर और सारी की सारी वीडियोस फ्री हैं. मैंने पूरा कानून डिस्कस किया आपके साथ, कंप्लीट एक्ट, चाहे वो आपका कोड ऑन वेजेस 2019 हो जो कि लेटेस्ट लॉ है, चाहे वो आपका ईएसआई है. ईएसआई की आज सेकंड लास्ट पार्ट में आपके साथ बनाने जा रहा हूं और उसके बाद 30th of April को मैं इसका लास्ट पार्ट करा के ये पूरा कानून भी रैप अप कर दूंगा. इसकी 9 वीडियोस आपके पास अवेलेबल होंगी. तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस प्लीज बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को. और उसके अलावा मिनिमम वेजेस हो, फैक्ट्रीज एक्ट हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो, इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर हो, ग्रेच्युटी एक्ट हो, ट्रेड यूनियन एक्ट हो, पेमेंट ऑफ वेजेस हो, ये सारे कानून आपको मेरे चैनल पे कंप्लीटली फ्री मिल जाएंगे. कंप्लीटली आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं. और प्लीज गाइज डिस्क्रिप्शन को देख लेना, वहां पे आपको डायरेक्ट मैंने लिंक भी दे रखी है, तो जो लोग डायरेक्ट लिंक से क्लिक करना चाहते हैं वो चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कंपनी लॉ हो गया, कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया, एनवायरमेंट लॉ पे है. तो आज बिना ही देरी किए हम जरा काम शुरू करते हैं. सेक्शन 60 से मुझे आज कराना है, तो देखते हैं. आज पार्ट नंबर 8 है और ये से एक्ट के सेक्शन 60 से आज शुरू करते हैं. सेक्शन 60 ये क्या कह रहा है, देखिए ये कहता है कि ईएसआई एक्ट के अंदर मिलने वाला जो बेनिफिट है, ना ही वो असाइनेबल है, ना ही वो अटैचेबल है, ना ही वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में अटैच किया जाएगा. What I am trying to say over here is that कि आपको जो राइट मिलता है, आपको जो मेडिकल बेनिफिट मिल रहा है, आप वो राइट किसी को एग्रीमेंट के थ्रू असाइन नहीं कर सकते. यू कैन नॉट ट्रांसफर द राइट टू एनीवन एल्स. कि लेट सपोज, मान लीजिए मैं मुझे ईएसआई के अंदर फ्री इलाज मिलता है, मैं ईएसआई हॉस्पिटल में जाता हूँ, ओपीडी में जाता हूँ, फ्री में अपना चेकअप करा के आता हूँ, तो क्या मैं एग्रीमेंट बना के अपने एक भाई को जिसको कोई ईएसआई का बेनिफिट नहीं मिलता, क्या वो बेनिफिट ट्रांसफर कर सकता? असाइन करना मतलब था किसी को राइट्स कंफर करना, क्या वो कर सकता? द आंसर इज नो. सेक्शन 60 बार करता है इस चीज के लिए. दूसरी चीज कि मान लीजिए कल को मेरे पास पैसा नहीं मिलता, कल को मान लीजिए मेरे सर पे बहुत कर्जा और कोर्ट ने मेरे खिलाफ कोई डिग्री पास करी है, कोर्ट ने बोला कि जाओ उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दो, तो मेरी सारी प्रॉपर्टी अटैच कर दीजिए, मगर जो ईएसआई एक्ट के अंदर मुझे जो बेनिफिट मिलता है आप उसको अटैच नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है ये वाला जो ईएसआई का बेनिफिट, मान लीजिए इस महीने इसको डिपेंडेंट बेनिफिट मिल, डिसेबलमेंट बेनिफिट मिलने वाला 5,000 रुपए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके 5,000 रुपए हड़प लो. आप वो चीज नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ये कहता है कि अगर आपको किसी किस्म का कैश बेनिफिट मिल रहा है तो वो कैश बेनिफिट अटैच नहीं होगा. काइंड बेनिफिट तो वैसे भी अटैच नहीं होगा, कैश बेनिफिट आपका अटैच नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना आप इसमें. तो सेक्शन 60 इस चीज का बार करता है. अब चलते हैं हम सेक्शन 61 के ऊपर. सेक्शन 61 के अंदर लिखी हुई बात मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस करी थी और ये दूसरे किसी सेक्शन के अंदर भी ये वाला कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट का नाम है बार ऑफ बेनिफिट अंडर अदर इनैक्टमेंट. इसका मतलब ये है कि लेट सपोज आपको किसी पर्टिकुलर चीज का बेनिफिट इस कानून के अंदर मिल जाता है, तो क्या सेम पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग, क्या सेम पर्टिकुलर कंसर्न के रिगार्डिंग आप वो बेनिफिट दूसरे कानून में ले सकते हैं? द आंसर इज नो. इसका मतलब ये हुआ कि कल को मान लीजिए आपको डिसेबलमेंट बेनिफिट मिल जाता है और आप ईएसआई एक्ट के अंदर डिसेबलमेंट बेनिफिट ले लेते हैं, तो क्या आप वर्कमैन कंपनसेशन, जिसको एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट भी कहते हैं, अब आप उसमें जाएंगे और कहेंगे कि मुझे उसके अंदर भी डिसेबलमेंट बेनिफिट दीजिए? द आंसर इज नो, क्योंकि सेक्शन 61 वो बार क्रिएट करता है. सेक्शन 61 कहता है वंस अ पर्सन हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर द एक्ट, अंडर द ईएसआई एक्ट, दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू रिसीव द सेम काइंड ऑफ बेनिफिट अंडर एनी अदर एक्ट और अंडर एनी अदर इनैक्टमेंट. तो सेक्शन 61 इसके बारे में बात करता है. सेक्शन 62, सेक्शन 62 कहता है पर्संस कैन नॉट कम्यूट द बेनिफिट्स, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में बता देता हूं. अगर आपको ईएसआई एक्ट के अंदर कम्यूट कराने का बेनिफिट दे रखा, कम्यूट कराने का प्रोसेस है रेगुलेशन के अंदर, तो आप तो करा सकते हो, लेकिन जनरली आप नहीं करा सकते. इसीलिए सेक्शन 62 की जो वर्डिंग्स है वो इस तरीके से है, सेव एज मे बी प्रोवाइडेड इन द रेगुलेशन. इसका मतलब अगर रेगुलेशन में है, कोई प्रोसेस है,
जिससे आप अपने बेनिफिट को लमसम में करा सकते हो। कम्यूट कराने का मतलब होता है कि कोई चीज अगर आपको मान लीजिए महीने महीने या दो दो महीने पे मिलती है, तो आपने उसको महीने महीने पे ना लेके एक साथ लेने की बात कर दी, दैट इज कॉल्ड टेकिंग द बेनिफिट इन लमसम और कम्यूटिंग द बेनिफिट। तो वैसे तो आपके पास जनरली इस वाले कानून में कम्यूट आप नहीं करा सकते, मगर हाँ कम्यूट की बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि कम्यूट भी कराते हैं लोग। इसका मतलब कि जहां पे रेगुलेशन में ESI का रेगुलेशन है अपना, उसके अंदर मेंशन है कि इस पर्टिकुलर बेनिफिट को आपको कम्यूट कराने का प्रोविजन दिया ESI ने, तो उस केस में आप कम्यूट भी करा सकते हैं। मगर जनरल अगर मैं बात करूं, जनरली रूल की बात करूं, तो पर्सन आर नॉट इंटाइटल टू कम्यूट देयर बेनिफिट फॉर अ लमसम अमाउंट, लमसम डिसेबलमेंट बेनिफिट, ये चीज ध्यान रखना। अगर प्रोसेस में है, मतलब रेगुलेशन में है, तब तो करा लो, अदरवाइज नहीं करा सकते। अब चलते हैं हम सेक्शन 63 की तरफ। सेक्शन 63 देखिए, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर से ये जो सेक्शन 63 की लैंग्वेज है ये इस तरीके से स्टार्ट होती है, सेव एज मे बी प्रोवाइडेड इन द रेगुलेशन। इसका मतलब कि अभी जो मैं बताऊंगा वो तो जनरल रूल है, मगर अगर रेगुलेशन में बेनिफिट देने के लिए कोई बात कर रखी है तो ये वाला जो सेक्शन है आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेव एज जैसे ही मैंने लगा दिया तो एक तरीके के एक्सेप्शन की तरह वर्क करता है, कि अगर वैसे तो कुछ केसेस में आपको सिकनेस बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेट सपोज, ठीक है, लेकिन अगर सेव एज मे बी प्रोवाइडेड इन द रेगुलेशन, मतलब कि अगर मान लीजिए रेगुलेशन में मेंशन है कि इस पर्टिकुलर मैटर के अंदर आपको सिकनेस बेनिफिट मिलेगा, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, तब वहां पे सेक्शन 63 एप्लीकेबल नहीं होगा, रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। इसीलिए जहां पे सेव एज मे बी प्रोवाइडेड लिखा होता है ना, इसका मतलब कि एक्सेप्ट दैट, अब एक रूल हुआ, इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अब ये कह क्या रहा है, देखिए, सिकनेस बेनिफिट या फिर टेम्पोररी डिसेबलमेंट के लिए बेनिफिट जनरली आपको नहीं मिलता, जनरली आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखना क्या, कि अगर आप छुट्टी पे जाते हैं, लीव पे हैं, या फिर आप स्ट्राइक की वजह से लीव पे हैं, तो आपको कुछ केसेस में कभी कभी सिकनेस बेनिफिट या टेम्पोररी जो डिसेबलमेंट का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलता। मगर फिर से वही बात आ गई कि अगर सेव एज प्रोवाइडेड इन द रेगुलेशन लिखा है, तो अगर रेगुलेशन में प्रोसेस लिखा हुआ है कि किस प्रोसेस के अंदर आपको मिल जाएगा, तो वहां पे आपको सिकनेस बेनिफिट भी मिल जाएगा। और वैसे भी आप लोगों ने अगर मेरी वेलफेयर और बेनिफिट्स वाली वीडियो देखी होगी, सेक्शन 46 देखा होगा, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक एम्प्लॉय को सिकनेस बेनिफिट भी मिलता है। अब चलते हैं हम सेक्शन 64 की तरफ। सेक्शन 64 देखिए, सेक्शन 64 कहता है रिसीपेंट्स ऑफ सिकनेस बेनिफिट टू ऑब्जर्व सम कंडीशन। अब देखिए, अगर किसी बंदे को सिकनेस बेनिफिट मिल रहा है या फिर डिसेबलमेंट बेनिफिट मिल रहा है, कौन कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं, सिकनेस बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिसेबल भी परमानेंट वाला नहीं, ध्यान रखना, वहां पे परमानेंट वाला में अलग सीन हो जाता है। तो यहां पे 64 बना है कि उन लोगों को, उन एम्प्लॉयज को जिनको सिकनेस बेनिफिट रिसीव हुआ, सिकनेस बेनिफिट किस लिए मिलता है, अगर आप बीमार होते हैं, बीमार की वजह से आप छुट्टी पे चले गए तो सिकनेस बेनिफिट है, तो या फिर आपको डिसेबलमेंट बेनिफिट मिल रहा है मगर परमानेंट वाला नहीं, टेम्पोररी नेचर वाला मिल रहा है, तो उस केस में आपको भी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। द पर्सन, द इंश्योर्ड पर्सन, द एम्प्लॉय हैज टू ऑब्जर्व सर्टेन कंडीशन, कि उसको कुछ शर्तें माननी पड़ेगी, अगर वो शर्तें नहीं मानेगा तो उस केस में उसका बेनिफिट उससे वापस भी रिकवर किया जा सकता है। अब वो क्या क्या शर्तें हैं, पहला शर्त, रिमेन अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट। कि देखिए, आप मान लीजिए अपना इलाज कराने जाते हैं, चाहे वो डिस्पेंसरी में जाएं, ESI की क्लिनिक में जाएं, ESI के हॉस्पिटल में जाएं, तो वहां पे जो मेडिकल ऑफिसर आपको
इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, आपको उस मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर रहना है और आपको मेडिकल ऑफिसर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। क्या करना है? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। कौन देगा? मेडिकल ऑफिसर आपको जो इंस्ट्रक्शन देगा आपको उसे फॉलो करना है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, नॉट टू डू एनी एक्ट विच रिटार्ड्स चांसेस ऑफ रिकवरी। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज आपका कंधा डिसलोकेटेड है, आपका शोल्डर डिसलोकेटेड है और आपको डॉक्टर ने बोला हुआ है कि शोल्डर की मूवमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात तो डॉक्टर ने, मेडिकल ऑफिसर ने जो आपको इंस्ट्रक्शन दी है, यू हैव टू कंपल्सरली मैंडेटरली फॉलो दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। अब हुआ क्या कि आप बड़े होशियार हैं, आपने क्या किया, एकदम कंधे को जोर जोर से आप बॉलिंग वाले मोड में, जैसे आप कोई बॉलर बॉलिंग करा रहा है उस तरीके से कंधे को घुमाने लगे, जिसकी वजह से आपका जो कंधे की और जो नैरो साइड में एडजेसेंट बोन्स थी वो और टूट गई और आपका जो चांसेस ऑफ रिकवरी थी, जिस चीज को ठीक होने में 1.5 महीना लगता अब उसको ठीक होने में 4 महीना लगेगा। तो वहां पे आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करी या फिर आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे आपके चांसेस ऑफ रिकवरी नहीं रहे, तो उस केस में अगर आपको मैं कोई बेनिफिट दूंगा तो वो वापस ले लूंगा या फिर बेनिफिट ही नहीं दूंगा। क्योंकि कहा गया है कि सेक्शन 64 क्लियरली कहता है कि यदि आपको कोई बेनिफिट मिलता है, चाहे वो टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट हो, चाहे वो सिकनेस बेनिफिट हो, तो आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती है। सेक्शन 64 को आप ड्यूटी के नजरिए से भी समझ सकते हैं कि जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, उसके सर पे भी कुछ ड्यूटी है, ही हैज टू फॉलो सर्टेन इंस्ट्रक्शंस। दैट इज द पॉइंट नंबर टू, कि आप कुछ ऐसा ना करें जिससे आपके रिकवर होने के, बेहतर होने के, इंप्रूव होने के जो चांसेस हैं वो रिटार्ड हो जाए, खराब हो जाए। तीसरा पॉइंट, शैल नॉट लीव द एरिया विदाउट द परमिशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। आप इलाज कराने गए हैं, मेडिकल ऑफिसर ने बोला कोई नहीं आप अभी एडमिट होंगे, आप हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जाइए, आपको एडमिट करना पड़ेगा, आपको डर लग गया एडमिट वर्ड से ही, आप भाग गए। अब भाग गए तो उसके बाद आपको कोई बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। और अगर मिला हुआ तो आपसे वापस ले लिया जाएगा। ये चीज कह रहा है सेक्शन 64। अब चलते हैं हम सेक्शन 65 पे। यहाँ पे मैं नोट्स बनाते वक्त कई बार पूरे पॉइंट नहीं लिखता, मगर मैं बोलते वक्त काफी सारी चीजें बोलता हूँ, तो जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आप अगर आपको नोट्स लगते हैं कि कम लग रहे हैं, मान लीजिए स्क्रीन पर आपको कम नोट्स फील हो रहे हैं, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसके भी आप नोट्स प्लीज बना लीजिए, ताकि आपका जब आप इस लेक्चर के एंड में कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास कॉन्टेंट भी आ गया 3-4 पेज का। अब चलते हैं हम सेक्शन 65 पे। सेक्शन 65 बड़ी प्यारी बात करता है, बेनिफिट्स नॉट टू बी कंबाइंड। टू बी कंबाइंड नहीं, नॉट टू बी कंबाइंड। अब कौन कौन से बेनिफिट को आप कंबाइंड नहीं कर सकते, इसका मतलब यू समझ लीजिए कि अगर आपको एक वक्त पे वो जो अभी मैं बेनिफिट्स का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, एक से ज्यादा वो बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन से वाला चाहिए। कौन कौन से बेनिफिट को कंबाइन नहीं कर सकते? पॉइंट नंबर वन, बोथ सिकनेस एंड मैटर्निटी बेनिफिट, बोथ सिकनेस एंड मैटर्निटी बेनिफिट कंबाइन नहीं कर सकते। अगर आपको चुनने के लिए बोला जाए तो या तो ये लो या तो ये लो। सेकेंड, बोथ सिकनेस एंड डिसेबलमेंट बेनिफिट, मगर टेम्प्रोरी वाला, परमानेंट वाला नहीं, डिसेबलमेंट बेनिफिट बट टेम्प्रोरी वाला, ठीक है। तीसरा, बोथ मैटर्निटी बेनिफिट एंड डिसेबलमेंट बेनिफिट, कौन से वाला? टेम्प्रोरी वाला, ठीक है। तो इनको आप क्या कंबाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते? द आंसर इज नहीं कर सकते। और यदि आपको एक टाइम पे एक से ज्यादा बेनिफिट के लिए आप इंटाइटल हो जाते हो तो उस केस के अंदर यू हैव टू चूज, यू हैव टू मेक अ सिलेक्शन कि आपको कौन से वाला बेनिफिट रिसीव करना है। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 66 एंड 67, जिसको रिपील कर दिया जा चुका है, तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट सेक्शन 68 पे। देखिए ये वाला सेक्शन 68 क्या बना हुआ है कि जब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फेल्स टू पे या नेग्लेक्ट्स टू पे कॉन्ट्रीब्यूशन,
ये वो सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा कि जहां पे ये कंट्रीब्यूशन नहीं दिया इसने ईएसआई कॉर्पोरेशन को। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, कहानी से एक जो आपका पूरा सेक्शन है मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, ये है हमारा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को ईआर लिख रहा हूं, ठीक है। ये है हमारा एम्प्लॉई। मेरे ड्राइंग के आप लोग फैन हो जाएंगे बहुत जल्दी ही। हाँ, एम्प्लॉय को मैं ईई लिख रहा हूं। इसने इसको अपना कंट्रीब्यूशन जमा करा, ठीक है, ये अपना कंट्रीब्यूशन पे कर चुका है। और फर्ज करिए इसके पास कंट्रीब्यूशन आ गया है, लेट सपोज एक अमाउंट है ए, ये अमाउंट कंट्रीब्यूशन आ गया। अब ये अमाउंट ये कॉर्पोरेशन के पास, कॉर्पोरेशन एक बड़ा सा बिल्डिंग है, कॉर्पोरेशन की बड़ी सी बिल्डिंग है, ईएसआई की कॉर्पोरेशन है ये, चलिए ठीक है। ये वाला जो एम्प्लॉयर साहब है, ये जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है ये कॉर्पोरेशन को देना या तो नहीं दे पाए टाइम पे या तो नेग्लेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से इस एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिलना था, कहां से, कॉर्पोरेशन से रिसीव करता ना वो बेनिफिट या तो कम मिला या तो रिड्यूस्ड मिला या तो मिला ही नहीं। पॉइंट समझ में आया मेरा? गलती किसने की? एम्प्लॉयर ने करी। कौन से वाले ने? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने। क्या गलती करी? कि उसने कंट्रीब्यूशन का पैसा या तो नेग्लेक्ट, मतलब ही फेल्ड टू पे द अमाउंट और ही नेग्लेक्टेड टू पे द अमाउंट टू होम, टू द कॉर्पोरेशन, जिसकी वजह से कॉर्पोरेशन ने इस बेचारे एम्प्लॉय को वो जो बेनिफिट इसको मिलता अगर वो कॉन्ट्रीब्यूशन का पैसा पूरा जाता वो नहीं गया, इस वजह से इस बेचारे इस दुखिया एम्प्लॉय को कम बेनिफिट मिला कॉर्पोरेशन की तरफ से या फिर नहीं बेनिफिट मिला, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में रिकवर किया जाएगा। कॉर्पोरेशन किससे पैसा रिकवर करेगा? एम्प्लॉयर से। पॉइंट नंबर वन, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ एक। पॉइंट नंबर टू, देखिए कॉर्पोरेशन मतलब एम्प्लॉयर ने तो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, मगर कॉर्पोरेशन वाले बड़े अच्छे हैं, कॉर्पोरेशन ने अपनी तरफ से पैसा दे, अपनी तरफ से बेनिफिट कॉन्फर कर दिया एम्प्लॉय को, मतलब कि हो सकता था कि कम बेनिफिट मिलता मगर कॉर्पोरेशन वाले बड़े अच्छे हैं, डिस्पाइट नॉट रिसीविंग द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द कॉर्पोरेशन स्टिल मैनेज टू गिव द बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। नाउ कम्स अ क्वेश्चन कि जो कॉर्पोरेशन ने एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है, जो मतलब नहीं देना था उसको, तो क्या वो रिकवर कर सकता है? किससे रिकवर करेगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से। द आंसर इज यस। सेक्शन 68 पहला पॉइंट इसी पे डिस्कस करता है कि जो बेनिफिट अगर कॉर्पोरेशन ने अपनी तरफ से दे दिया, जो कि कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी नहीं थी, उस वो बेनिफिट उस कॉन्ट्रीब्यूशन से निकलता जो एम्प्लॉयर पे करता, और एम्प्लॉयर ने अभी तक कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पे किया, तो उस केस में कॉर्पोरेशन ने अभी दे दिया और जो भी डिफरेंस अमाउंट, जो भी कम अमाउंट रह गया, वो डिफरेंस अमाउंट या तो लेगा, पॉइंट समझो, या तो डिफरेंस लेगा या फिर जितना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पे किया उसका दुगना लेगा। कितना लेगा? ट्वाइस द अमाउंट। और इसमें से जो भी बड़ा होगा, जो भी संख्या बड़ी होगी, जो डिफरेंस बिटवीन, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट इंप्लॉय को गया, जो बिना कॉन्ट्रीब्यूशन के उसको बेनिफिट गया, या तो वो लेगा या फिर दुगना लेगा जितना पे नहीं किया। इसमें से जो भी अमाउंट बड़ी होगी ये वाला पैसा चुकाना पड़ेगा। किसको चुकाना पड़ेगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को चुकाना पड़ेगा। किसे चुकाना पड़ेगा? ईएसआई कॉर्पोरेशन को चुकाना पड़ेगा। बिकॉज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैज फेल्ड टू पे द अमाउंट, बिकॉज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैज नेग्लेक्टेड टू पे द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉर्पोरेशन। नाउ दैट इज सेक्शन 68। दूसरी बात जो सेक्शन 68 कहता है कि इसकी जो रिकवरी होगी, ये जो कंट्रीब्यूशन रिकवर किया जाएगा कॉर्पोरेशन के द्वारा, किससे? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से। इसकी रिकवरी सेम उसी मैनर में होगी जिस मैनर में एक लैंड एरियर के रेवेन्यू को रिकवर किया जाता है। इसके ऊपर मैं आपके साथ वीडियो बना चुका हूं, सेक्शन 45 ए से लेकर सेक्शन 45 आई तक, उसके अंदर मैंने ये पूरा मैनर बताया हुआ है। आप सेपरेट वीडियो मेरे चैनल में ईएसआई के ऊपर आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम सेक्शन 69 के ऊपर। सेक्शन 68 आपका कवर हो गया। सेक्शन 69, सेक्शन 69 कहता है लाइबिलिटी ऑफ ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्रीज फॉर एक्सेसिव सिकनेस बेनिफिट। बड़ी अजीब सी बात आपको बताऊंगा, एक्सेसिव सिकनेस बेनिफिट। देखिए फिर से सेक्शन समझाने के लिए एक फैक्ट्री बनाता हूं, बड़ी सी फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री का कैंटीन है, ये फैक्ट्री का वॉशरूम है, ठीक है, ये फैक्ट्री का आपका एंट्री गेट है, ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री का प्रोडक्शन एरिया है,
ठीक है। अब होता क्या है साहब कि देखिए इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पे करता है अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को वो कॉन्ट्रीब्यूशन जाके जमा कर देता है कॉर्पोरेशन में, और उसके बेसिस पे कॉर्पोरेशन इंप्लॉयज को बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जिसको हम इंश्योर्ड पर्सन को बेनिफिट प्रोवाइड करना भी कहते हैं। ये कहानी तो सबको पता है। अब सवाल इसमें आता है, लेट सपोज इस फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो ऑनर है उस फैक्ट्री का या ऑक्यूपायर है, जो भी उसका मालिक है या जो उसके अफेयर्स को कंट्रोल करता है, वो इसको साफ नहीं रखता, इसका इस एरिया को वो बहुत ज्यादा इनसैनिटरी वर्किंग कंडीशन मेंटेन करता है, इनसैनिटरी एकदम गंदे डायलापिलेटेड कंडीशन है वहां पे, बहुत ही इनसैनिटरी वर्किंग कंडीशन है, इतने गंदी हालत है कि वहां पे रहना मुश्किल है या तो फैक्ट्री का या फिर अपने गरीब इंप्लॉयज के लिए इसने लॉज बना रखा है, लॉज या फिर रहने का कोई भी एरिया अपने इंप्लॉयज को रखने के लिए, कमरा नंबर एक, कमरा नंबर दो, कमरा नंबर तीन, इस तरीके से इसने लॉज बना रखा है, या फिर यहां पे बड़ी गंदी कंडीशन है, बड़ी इनसैनिटरी कंडीशन है साहब। अब होता क्या है, इस गंदी इनसैनिटरी कंडीशन की वजह से कि कैंटीन में साफ सफाई नहीं, ऐसे कॉकरोच निकल के आ रहे हैं, कभी छिपकली निकल के आ रही है, कभी चूहे निकल के आ रहे हैं, प्रोडक्शन एरिया में झाड़ू नहीं लगता, कभी साफ सफाई नहीं होती, कोई भी वॉश कहीं भी कोई स्पिटिंग कर देता है, वॉशरूम इतने स्टिंकी है, जिसकी वजह से बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। कौन बीमार हो रहा है? इंप्लॉय बीमार हो रहा है साहब, और इंप्लॉय बीमार हो रहा है, और जिसकी वजह से ज्यादा सिकनेस बेनिफिट देना पड़ रहा है। मतलब नॉर्मल जो फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट में सिकनेस बेनिफिट होता है कि चलो 100 में से को 2 इंप्लॉय बीमार पड़ रहा है, यहाँ पे 100 में से 15 इंप्लॉय बीमार पड़ रहे हैं, यहाँ पे 100 में से 25 इंप्लॉय बीमार पड़ रहे हैं, और जिसकी वजह से एक्सेसिव सिकनेस बेनिफिट पे करना पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे ये सेक्शन बनाया गया कि अगर कॉर्पोरेशन को एक्सेसिव सिकनेस बेनिफिट देना पड़ रहा है, तो उस केस में कॉर्पोरेशन जो भी एक्सेसिव सिकनेस बेनिफिट दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि गंदा कर रखा है फैक्ट्री को, जो लॉज है जो जहां पे रखा जाता है एम्प्लॉयज को, उसको बड़ी इनसैनिटरी वर्किंग कंडीशन में मेंटेन किया जा रहा है, और एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयर ध्यान नहीं दे रहा, तो इसीलिए लायबिलिटी सेक्शन 69 में एम्प्लॉयर के सर पे डाली गई। तो जो एक्सेसिव सिकनेस बेनिफिट है उसका क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लेगा, किससे लेगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से, मतलब ओनर ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री से। या तो आपका फैक्ट्री का एरिया गंदा है, इनसैनिटरी है, या फिर लॉज जहां पे आप अपने एम्प्लॉयज वगैरह को रखते हैं, या कोई सा भी घर। और अगर मान लीजिए आपकी सेटलमेंट नहीं हुई, तो उस केस में मैटर को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रेफर कर दिया जाएगा। कौन रेफर करेगा? कॉर्पोरेशन रेफर कर देगा, या तो कॉर्पोरेशन सेटलमेंट कर लेगा और पैसा ले लेगा, नहीं हुआ सेटलमेंट तो उस केस में मैटर को रेफर कर देगा। तो ये हुआ पार्ट नंबर वन सेक्शन 69 का। अब लेट सपोज मैटर रेफर हो गया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, मैटर रेफर हो गया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, और इसको लगा कि इंक्वायरी होनी चाहिए, तो ये एक इंक्वायरी कंडक्ट कराएगी। ठीक है, इंक्वायरी कंडक्ट कराने के बाद इसको लगेगा कि हाँ ये जो सिकनेस बेनिफिट दिया गया है ये इनसैनिटरी वर्किंग कंडीशन की वजह से दिया जा रहा है, और इंप्लॉयर अपनी फैक्ट्री को साफ नहीं रख रहा, वो जो ऑक्यूपायर अपनी फैक्ट्री को मेंटेन नहीं करता, या फिर जो लॉजिंग्स है जहां पे वो इंप्लॉयज को रखता है वो उसको मेंटेन नहीं रखता, एकदम गंदी अनहाइजीनिक कंडीशन डायलैपिलेटेड कंडीशन है, तो उस केस में ऑर्डर इंक्वायरी कमिटी जो है वो ऑर्डर पास करेगी, बोलेगी जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा सिकनेस बेनिफिट है वो रिकवर करो, वो रिकवर किया जाएगा, और वो रिकवर ऐसे किया जाएगा जैसे कि किसी सिविल कोर्ट की, जैसे कि किसी सिविल कोर्ट की डिक्री जब आती है ना पेमेंट ऑफ मनी के लिए, पैसा लेने के लिए, उसको रिकवर करने का जो मैनर है, इनका मैनर सेम होगा, ध्यान रखना। इसका मतलब That particular determination shall be enforced as if it were a decree for the payment of money passed in a suit by a civil court. तो ये है आपका section 69। और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो tenements या lodgings है, lodge की जो मैं lodgings की बात कर रहा था, तो उसके अंदर अगर कोई agent भी है owner का, तो भी वो lodging उस owner की ही कहलाएगी। ये नहीं कह सकता कि भाई वो तो मेरे agent की है, मैं नहीं जानता, उसके लिए मैं liable नहीं हूँ। तो ये होशियारी employer नहीं कर सकता। तो now coming upon section 70। अब आपका आज का टॉपिक बस ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। आज मैं सेक्शन 73 तक कराऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टाइम टेबल दिया हुआ था कि कौन से दिन मुझे कौन कौन से कितने कितने सेक्शन कराने हैं। सेक्शन 70, रीपेमेंट ऑफ बेनिफिट इम्प्रॉपरली रिसीव्ड। सिंपल कि अगर हमारे एम्प्लॉय ने जिस चीज के लिए वो इंटाइटल्ड नहीं है, हमारा एम्प्लॉय इंटाइटल्ड नहीं है लॉफुल किसी पर्टिकुलर बेनिफिट के लिए, और फिर भी वो होशियार निकल के बेनिफिट ले लिया, तो क्या वो बेनिफिट उसको वापस करना पड़ेगा कॉर्पोरेशन को? बिल्कुल।
अगर कोई कैश बेनिफिट है तो उसको वापस करेगा, अगर काइंड बेनिफिट है तो कॉर्पोरेशन डिसाइड करेगी उसकी वैल्यू कितनी। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में करा गया और वो ईएसआई के अंदर एलिजिबल ही नहीं था, तो जितने का मेडिकल ट्रीटमेंट कराया उसकी वैल्यू कॉर्पोरेशन डिटरमाइन करेगी और उसको बोलेगी भैया पैसे दे। और कल को फर्ज करिए वो एम्प्लॉय मर गया, वो इंश्योर्ड पर्सन मर गया, वो बंदा ही मर गया, तो उसके बाद उसकी जो एसेट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को गई है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो एसेट मिली है ना, उससे वसूल लिया जाएगा। और इसको वसूला उसी मैनर में जाएगा जैसे हम किसी लैंड एरियर्स को वसूलते हैं। लैंड रेवेन्यू के जो एरियर्स होते हैं उसको वसूलते हैं, वही सेक्शन 45 सी से लेकर सेक्शन 45 आई तक का प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग, तो उस मैनर में ही हम इसको रिकवर करेंगे। अगला सेक्शन 71, बेनिफिट पेएबल अप टू एंड इंक्लूडिंग डे ऑफ डेथ। देखिए, लेट सपोज किसी पर्टिकुलर पीरियड में किसी इंप्लॉय को ऑलरेडी कैश बेनिफिट मिल रहा था और उसकी हो जाती है डेथ, तो ध्यान रखना जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस डे को भी इंक्लूड किया जाएगा, डेथ का जो डे है उसको इंक्लूड किया जाएगा, डेथ का डे इंक्लूड किया जाएगा, और उसका जो भी बेनिफिट बनता है वो बेनिफिट उसके नॉमिनेटेड पर्सन को दे दिया जाएगा, और अगर कोई भी नॉमिनेटेड पर्सन नहीं है तो जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उस डिसीज का उसको पे कर दिया जाएगा, सीधा हिसाब है। अब चलते हैं सेक्शन 72 की तरफ। सेक्शन 72 कहता है कि इंप्लॉयर शैल नॉट रिड्यूस वेजेस, कि लेट सपोज मैं बीमार हूं, मैं काम पे नहीं आ सकता और उसकी वजह से मेरी वेजेस काट दी गई है, तो अगर ऐसा किया गया है तो मैं केस करके अपनी जो वेजेस है वो रिकवर कर सकता हूं एम्प्लॉयर से, ये पॉइंट ध्यान रखना। सेक्शन 73, एम्प्लॉयर नॉट टू डिसमिस एम्प्लॉय। देखिए कौन कौन से ग्राउंड पे डिसमिस नहीं कर सकता, लेट सपोज मैं बीमार हूं या मैं डिसेबल हूं टेम्पोररी, 10 दिन से मेरी टांग टूटी हुई और मैं एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही मेरी टांग टूटी थी, तो उस केस में मुझे एम्प्लॉयर ने डिसमिस कर दिया, तो क्या मैं दोबारा नौकरी पे लग सकता हूँ? बिल्कुल लग सकता हूँ, क्योंकि लॉ कहता है कि ऐसे सिकनेस के ग्राउंड पे, डिसेबलमेंट के ग्राउंड पे इस्तेमाल करके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नौकरी से नहीं निकाल सकता। तो ये आपका मैंने आज सेक्शन 73 तक कराया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा शेयर भी करें। थैंक यू सो मच गाइस। अगली वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा लास्ट वीडियो ईएसआई एक्ट के ऊपर, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा कानून आपका रैप करा दूंगा। Thank you so much, guys.